आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ़ सेक्रीफाइजिंग दैन द नेक्स्ट मैन बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पोअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज़ अलाउड वन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री वो कहते हैं कि मैं इतना वर्चुअस और सेल्फ़ सेक्रीफाइजिंग नहीं हूँ जितना कि मुझसे अगला आदमी है लेकिन मैंने पाया कि ये जो फ्रीडम है ये लिमिटेड फ्रीडम है ये पुअर फ्रीडम है मैं इसको तब तक इन्जॉय नहीं कर सकता जब तक कि मेरे लोग फ्री नहीं हो जाते फ्रीडम इज़ इनडिवाइजबल फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता द चेंस ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वर द ऑन ऑल ऑफ़ दैम द चें्स ऑन ऑल ऑफ़ माई पीपल वर द च ऑफ मी वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति पर जो डाली गई चेन थी वो हर एक पर डाली गई चेन थी जो चेन मेरे लोगों पर डाली गई थी वो चेन मुझ पर भी डाली गई थी यानी कि उनको अगर बंदी बनाया गया था तो मुझे ही बंदी बनाया गया था आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ट मैं जानता हूँ कि जो ऑपरेसर है जो शोषण करने वाला है उसको भी लिबरेट किया जाना चाहिए ठीक उसी तरीके से जैसे कि शोषित को किया जाता है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैं फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटरेड जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को छीनता है वो अपनी नफरत का कैदी बन जाता है ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस वो अपने आप को पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता का जो एक घेरा होता है एक जो पिंजरा होता है उसके पीछे अपने आप को लॉक कर लेता है आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे सम वन एल्स फ्रीडम अगर मैं किसी दूसरे की फ्रीडम को ले रहा हूँ दूसरे की फ्रीडम को हथिया रहा हूँ तो इसका मतलब मैं भी पूरे तरीके से फ्री नहीं हूँ जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी ये ठीक उसी तरीके से है कि जब मेरी फ्रीडम मेरे से ले ली जाती है द ऑपरेस एंड द ऑपरेसर अ लाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी शोषण करने वाला और जो शोषित है वो दोनों ही जो उनकी मानवता है उससे उनको महरूम कर दिया जाता है रोब जो मीनिंग होता है रोब का मतलब होता है बेसिकली किसी को लूट लेना सो हियर द चैप्टर एंड्स नाउ वी विल डू द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ दिस चैप्टर सो स्टूडेंट्स चैप्टर हम फिनिश कर कर चुके हैं तो अब आइए कॉम्प्रीहेंशन की तरफ चलते हैं कॉम्पिहेंशन चेक जो फर्स्ट दिया गया आपको पेज नंबर एटीन पर उसका पहला क्वेश्चन है कि वाई डू द मिलिटरी जनरल्स वॉट डू द मिलिटरी जनरल्स डू हाउ हेज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई जो मिलिटरी के जनरल्स हैं वो क्या करते हैं कि और उनका जो एटीट्यूड था वो कैसे चेंज हो गया और क्यों द आंसर इज द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैम्पस ऑफ द आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस वन इन आवर प्रीवियस वीडियो यस पेज नंबर ट्वेंटी वन द हाईस्ट मिलिटरी जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सेल्यूटेड मंडेला ने प्लेस देयर लॉयल्टी जो हाइएस्ट मिलिटरी जनरल होते हैं साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के मंडेला को सल्यूट करते हैं और अपनी वफादारी के लिए प्लेज करते हैं देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स ब्लैक्स हैड टेकन ग्रेट चेंज काले लोगों के प्रति उनका जो व्यवहार था काफी हद तक बदल चुका था इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सैल्यूटेड हिम किसी ब्लैक को अरेस्ट करने के बजाय अब वो उनको सल्यूट कर रहे थे क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वाई वर टू नेशन नेशनल एंथम्स संग दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए द आंसर इज ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन टू नेशनल एंथम्स वर संग वन बाय द वाइट्स एंड द अदर बाय द ब्लैक्स दे सिम्बलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स जो दो एंथम गाए गए थे एक उनमें ब्लैक्स ने गाया था दूसरा वाइट्स ने गाया था और ये सिम्बलाइज करता है कि ब्लैक और वाइट्स के बीच में इक्वालिटी है क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री अपने देश में जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो उसको किस तरह से बताते हैं और इसके अंदर एक सब पॉइंट दिया हुआ है इन द फर्स्ट डेकेड एंड इन द फाइनल डेकेड ऑफ द ट्वेंटियत सेंचुरी यानी कि ट्वेंटियत सेंचुरी का जो पहला दशक था पहले दस साल थे उनमें गवर्नमेंट का एटीट्यूड और बाद के जो दस साल थे आखिर के उनमें गवर्नमेंट का एटीट्यूड सो द आंसर इज इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द ट्वेंटियत सेंचुरी द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ट ऑफ द डिफ्रेंस एंड इलेक्टेड सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ़ द ओन लैंड दस क्रिएटिंग द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड द मोस्ट इन्यूमेन सोसाइटीज़ इज द वर्ल्ड हैड एवर नोन ट्वेंटी सेंचुरी के जो पहले दस साल थे उसके अंदर जो वाइट लोग थे वो अपने डिफरेंसेस को पैचअप कर लेते हैं और एक ऐसी सिस्टम को पैदा करते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं जो दुनिया के अंदर सबसे हारशेस्ट और सबसे इनह्यूमेन अमानवीय थी जिसको दुनिया ने कभी देखा था सेकेंड इज इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवर टन फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकनाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स द कलर ऑफ द स्किन अब बाद का जो दस साल थे आखिर के जो दस साल थे 20th सेंचुरी के उसके अंदर क्या हुआ कि जो प्रीवियस सिस्टम था उसको पलट दिया गया हमेशा हमेशा के लिए और उसको रिप्लेस कर दिया गया एक ऐसी गवर्नमेंट के द्वारा जिसने कि सभी लोगों के जो राइट्स हैं उनकी जो आज़ादी है उसका ध्यान रखा रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन बिना उनके कलर का भेदभाव किए फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब है द आंसर इज फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर मंडेला के हिसाब से करेज का मतलब है डर की एबसेंस नहीं होता इसका मतलब है कि डर को जीत लेना उनके अनुसार जो बहादुर लोग हैं उनको फियरलेस होने की जरूरत नहीं है उनको केवल अपने डर को जीत लेने की ज़रूरत है लास्ट क्वेश्चन इज इज विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेड वो क्या सोचते हैं प्राकृतिक चीज़ क्या है प्यार करना या हिट करना आंसर इज फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट मंडेला के अनुसार जो प्रेम है वो नेचुरली आता है हिट करने के मुकाबले तो हम ये चीज़ कह सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि मंडेला के लिए जो प्रेम था वो नेचुरल था हिट के मुकाबले नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन वट ट्विन ऑब्लीगेश डज मंडेला मैंशन दो ऑब्लिगेशन कौन से हैं जो मंडेला मैंशन करते हैं पहला अपने परिवार अपने पेरेंट्स अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए और दूसरा अपने लोगों अपनी कम्युनिटी और अपने देश के लिए वट डिड बींग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अस्टूडेंट आज़ाद रहना मंडेला के लिए क्या मायने रखता था एक लड़के के तौर पर और एक स्टूडेंट के तौर पर

हंसी खुशी रहना लेकिन जब कोई व्यक्ति एडल्ट बन जाता है तो चाइल्डहुड के जो एंटीक्स हैं जो हरकतें हैं जो वो अटखेलियाँ हैं वो ट्रांसिटरी लगने लगती है वो टेम्प्रेरी लगने लगती है क्योंकि जो अधिकतर जो चाइल्ड एक्टिविटी होती है वो वेस्टफुल फॉर्म होती है एडल्ट्स के परस्पेक्टिव से हाउ डज़ मंडेला इलस्ट्रेट दिस कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट इसको वो कैसे एलोस्ट्रेट करते हैं और उसमें पूछा गया है कि क्या आप इसमें कोई अपनी तरफ से एग्जाम्पल एड कर सकते हैं सो वंस यू आर एडल्ट देन समबड़ी यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड टू ब्रिंग द बेकन होम देन ओनली यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी एक बार जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो घर की सारी जिम्मेदारियाँ आपको उठानी पड़ती हैं और केवल तभी आप एक ऑनरेबल एग्जिस्टेंस अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी में प्राप्त कर सकते हैं द लास्ट क्वेश्चन इज डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री वाई और वाई नॉट तो कहते हैं कि मंडेला के हिसाब से जो ऑपरेसर है क्या वो फ्री है अगर है तो क्यों अगर नहीं है तो क्यों द आंसर इज मंडेला डज नॉट फील द ऑपरेसर इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एंड ऑपरेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड मंडेला के अनुसार जो ऑपरेसर है वो भी आज़ाद नहीं है क्योंकि वो अपनी जो हेटेड है वो उसका बंदी बन जाता है हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस जो कि अपनी संकीर्ण मानसिकता और अपने पूर्वाग्रह के जो कारागार है उसमें बंदी है ही फील्स दैट बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रोब्ड रोब्ड ऑफ देर ह्यूमैनिटी वो ऐसा महसूस करते हैं कि जो ऑपरेसर है और जो ऑपरेस्ड है वो दोनों ही जो उनकी मानवीयता है उससे उनको छीन लिया जाता है नाउ कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट थिंकिंग अबाउट द टैक्स्ट थिंकिंग अबाउट द टैक्स के अंदर पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडिड द इनोग्रेशन वॉट डिड इट सिग्निफाई द ट्राइम्पऑफ कि इतने बड़े आ, इतने बड़े समारोह में सभी लोग कैसे आ गए तो उसका कारण ये था कि हिस्ट्री के अंदर पहला ऐसा चांस था कि आ, एक, एक, जो ब्लैक व्यक्ति था जिसने इतना लंबा संघर्ष किया वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना था तो ये सिग्निफाई करता है द ट्राइम्प ऑफ गुड और ईवल अच्छाई की बुराई पर जीत द ट्राइम्प ऑफ द आइडिया ऑफ अ टॉलरेंस सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि एक ऐसी टॉलरेंस सोसाइटी की ट्राइम जीत जो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती वट डज मंडेला मीन वेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ओल दोफ्रीकन पेट्रियट्स गॉन बिफोर हिम सवाल पूछा गया है कि मंडेला ऐसा क्यों कहते हैं कि जो पेट्रेट उनसे पहले चले गए हैं वो उनका सम टोटल है तो आंसर इज मंडेला वॉन्ट्स टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैड सेक्रीफाइज द लाइफ फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी मंडेला उन सबको ट्रिब्यूट देना चाहते थे ही फील्स दैट ही इज़ द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन हु हैड गॉन बिफोर हिम बिकॉज दो हिरोज ऑफ यस्टरडेज हैड पेव द पाथ ऑफ कॉपरेशन द यूनिटी फॉर हिम वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि उनका सम टोटल है क्योंकि उन लोगों के बलिदान से ही कॉपरेशन का और यूनिटी का जो रास्ता था वो बन पाया इसलिए ही गॉट द सपोर्ट ऑफ हिज पीपल टू बी एबल टू कम टू पावर टू ब्रिंग इक्वालिटी फॉर हिज ओन पीपल और इसीलिए उन्हें लोगों का सपोर्ट मिला और वो इस योग्य बन पाए कि वो अपने लोगों के लिए इक्वलिटी ला सकें पावर में आने के बाद थर्ड क्वेश्चन इज वोड यू अग्री दैट द डेप्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर हाउ डज़ मंडेला एलिस्ट्रेट दिस कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट सवाल पूछा गया है कि क्या आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जो डेप्स हैं ऑपरेशन की यानी कि जो गहराई है शोषण की वो कैरेक्टर की हाइट को हा, कैरेक्टर की जो हाइट है उसको बढ़ाती है मंडेला इसको कैसे एलिस्ट्रेट करते हैं और आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी तरफ से कुछ उसके अंदर एड कर सकते हैं तो यस वी एग्री दैट द डेप्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर नैलसन मंडेला एलिस्ट्रेट दिस गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका हु सेक्रीफाइज द लाइव इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल वो इसको कैसे रिलिस्ट्रेट करते हैं उन हीरोज़ की एग्जाम्पल देंगे जिन्होंने साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल में अपने पराणों की जा बली दी प्रोबेवली द ऑपरेसर ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड सो मैनी मैन ऑफ सच कैरेक्टर्स और ब्रिटिशज के इस ऑपरेशन ने इस शोषणवादी पद्धति ने बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति थे जिनको पैदा किया जिनको बनाया ड्यूरिंग हिज फ्रीडम स्ट्रगल देर वॉज अ गैलेक्सी ऑफ ग्रेट कैरेक्टर्स ऐसे बहुत सारे महान लीडर्स की गैलेक्सी थी एक, एक, एक बहुत तरह का एक ग्रुप था जो कि एक महान व्यक्तित्व के थे

बदलती गई द आंसर इज़ विद एज नेल्सन मंडेला रियलाइज दैट ही हैड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज पीपल हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री उनको एहसास हुआ कि उनके पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने लोगों के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने देश के लिए एक लड़के के तौर पर मंडेला के अंदर हंगर नहीं थी फ्रीडम की क्योंकि वो केवल अपने आप को आज़ाद महसूस करते थे लेकिन बाद में उन्हें यकीन हुआ कि जब तक कि वो अपने फादर के और अपने जो कस्टम्स थे ट्राइब के उनका वो पालन करते रहे ही वॉज़ फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर वो हर तरह से फ्री थे ही एड सर्टेन नीड्स ए टीनेजर एंड सर्टेन नीड्स एज यंग मैन उनकी कुछ निश्चित ज़रूरत थी एक टीनेजर के तौर पर और एक यंग मैन के तौर पर धीमे धीमे उन्हें एहसास हुआ कि ही वो सेल्फिश ड्यूरिंग इज़ बॉयहुड कि वो अपने बॉयहुड में काफ़ी सेल्फिश थे ही स्लोली अंडरस्टैंड धीमे धीमे इस चीज़ का एहसास करते हैं इट्स नॉट जस्ट हिस्स फ्रीडम केवल उनकी आज़ादी की बात नहीं है दैट इज़ बीइंग कर्टेल्ड कि जिसको कर्टेल कर दिया गया है जिसको कम कर दिया गया है बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स ये सारे उन ब्लैक लोगों की बात है इट इज आफ्टर अटेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग दैट हिट डिवेलप अ हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल जब उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है तभी उनके अंदर ये भूख पैदा हो जाती है कि उन्हें अपने लोगों की फ्रीडम के लिए काम करना है लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ मंडेला की जो हंगर थी फ्रीडम के लिए उसने उनकी जिंदगी कैसे बदली मंडेला रियलाइज इन हिज यूथ दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बींग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स द हंगर फॉर इज ओन फ्रीडम बिकेम अ हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ पीपल अपनी आज़ादी के लिए जो उनकी भूख थी वो भूख उनके लोगों की आज़ादी में बदल गई ये जो तो डिज़ायर थी उनकी कि एक नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड कर सकती है इनटू अ वर्चुअस एंड अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन दस ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दिस चेंज फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन और जब उसके बाद इन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ तो इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और इसने एक डरे हुए यंग मैन को एक बहादुर व्यक्ति में तब्दील कर दिया सो स्टूडेंट्स द चैप्टर हैज़ नाउ कंप्लीटेड अलॉन्ग विद द टेक्स्ट एंड थैंक यू वेरी मच इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट विद यू विद द न्यू चैप्टर